Mr. हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अक्की लॉजी। दोस्तों, मैंने डिज्नी हॉटस्टार पर फिल्म देखी मॉन्स्टर मोहनलाल सर की। पूरी फिल्म सिर्फ एक डायलॉग पर टिकी हुई है कि जो पैसे वाले लड़के होते हैं करोड़पति अरबपति, उनकी मौत के बाद जो उनका इंश्योरेंस है, जो बीमा है या जो भी कुछ कह लो, वो जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास जाएगी। अगर नॉमिनी पत्नी है तो पत्नी के पास आती है। तो ऐसे में कुछ लेडीज़ जो प्यार भी नहीं करती, सिर्फ पैसों की खातिर शादी करती हैं, ये फिल्म सिर्फ उन्हीं लेडीज़ को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और इस फिल्म में कुछ समलैंगिक जो लोग होते हैं उनके बारे में भी बोला गया है। तो इंटरवल तक फिल्म जो चलती है एकदम बोरिंग बोरिंग बोरिंग, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि इतना लंबा बिल्डअप फिल्म का पूरा इंटरवल लगा दिया और इंटरवल के बाद असली फिल्म शुरू होती है। इंटरवल के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा रिवील होता है, तब इंटरवल से पहले की पूरी स्टोरी समझ में आती है कि ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि ये सब होना था। तो मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे को तो इंटरवल के बाद मज़ा आया। अच्छा, कोई ज़्यादा वैसा इसमें मतलब थ्रिल या सस्पेंस नहीं है कि किस लिए ये सब हो रहा है, क्योंकि बहुत अगर शार्प हो, बहुत सारी फिल्में आप देखते हो तो आप सब समझ जाओगे कि कहानी क्या है। बहुत ही मतलब प्रिडिक्टेबल कहानी है। तो मेरी नज़र में ये एक एवरेज फिल्म है और मैं तो ये कहूँगा कि इस फिल्म को अगर देखना ही है तो इंटरवल के बाद से देखो, यानी कि शुरू का एक घंटा आप चाहो तो निकाल दो। अगर आपको एक घंटे में मज़ा आ रहा है शुरू के तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर एक घंटे के बाद से आप इस फिल्म को देखो। बाकी परफॉर्मेंस वाइज सबका सही है। तो एक सो फिल्म है, बहुत ज़्यादा ग्रेट तो नहीं है, लेकिन इंटरवल के बाद तो मतलब बेकार भी नहीं है। इंटरवल से पहले तो बहुत ज़्यादा बोरिंग तरीके से चलती है। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना इस फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।